नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं मौजूद हूं मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस में। आपको बता दें, आज एडिशनल सीपी श्रीकांत पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। जिस तरीके से 21 तारीख को हादसा हुआ था मीरा भाईंदर में, उसको लेकर के आइए बात करते हैं उनसे कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और कितने मामले दर्ज हुए हैं और किस तरीके से आगे मामले को हैंडल किया जाएगा। आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। आपको सबको पता है किस तारीख को रात को जो घटना घटी है दो गुटों के बीच भीड़ की, उसमें उस समय से लेकर अभी तक टोटल 8 ऑफेंसेस कल तक रजिस्टर है हमारे पास और 2 आईटी एक्ट के तहत 2 ऑफेंस रजिस्टर है। इसमें अभी तक हमने करीबन 19 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया है। बाकी लोगों की पूछताछ अभी तक चल रही है। हम CCTV और बाकी फुटेजेस देख के उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम शुरू है। सर, जो पहली घटना हुई थी 21 तारीख को, उसमें कितने लोग अरेस्ट हुए? उसमें अभी तक 14 लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ लोगों का अभी नाम CCTV देख के निष्पन्न करके उनको अरेस्ट करने की कार्रवाई शुरू है। और जिन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, कल शाम की भी घटना हुई है, कुछ टारगेटेड ऑटो रिक्शा की दुकानें थी, वहाँ तोड़फोड़ हुई है, उस मामले में जो है FIR इतनी दर्ज हुई है और कितने लोग उस मामले में? अभी तक 6 FIR उसमें है। उसमें भी अभी तक जो मुझे इंफॉर्मेशन, अभी तक 5 या 6 लोग अभी तक अरेस्ट है और बाकी लोग आइडेंटिफाई करने का काम शुरू है। आपको सबको पता है कि पिछले 3 दिन में हमारा पूरा पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी व्यस्त रहा है। उसके कारण CCTV देख के आरोपी आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने का काम थोड़ा सा जितने तेज़ी से होना चाहिए उतने तेज़ी से हुआ नहीं है। लेकिन हम जैसे ही थोड़ा पीस स्थापित होगा, हम सब आरोपी आइडेंटिफाई करके हम उसके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, इसी बीच से इन्वेस्टिगेशन की जो ग्रेविटी को समझने के लिए जानना चाहिए कि पुलिस जो कितने कैमरे फुटेजेस हैं, अंदाजन जिसमें फुटेजेस खंगाल रही है 100? अभी एग्जैक्ट फिगर बताना मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ इंसिडेंस हुए हैं वहाँ वहाँ के कैमरेज हम चेक कर रहे हैं कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। 100 से ज़्यादा हो सकते हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम को देख के क्या अभी तक पुलिस इस तरह की कुछ एंगल पे जांच कर रही है कि ये एक तरह से कोई साजिश थी या कोई पहले से प्री प्लान था? चूंकि 22 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम था देश में, उसके पहले ही प्लानिंग की गई थी किस तरह से अगर कोई आता है तो उस पर अटैक किया जाएगा ताकि कोई हमारे इलाके में ना आए, इस तरह का क्या साजिश इसके पीछे? अभी तक तो उस बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन जब पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उसमें घटनाक्रम में क्या क्या था। 22 तारीख को जो दूसरा इंसिडेंट हुआ स्टोन पेंटिंग का बैक रोड पर, उसको लेके क्या ये भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा कि जो इतनी मात्रा में जो पत्थर है वो एक साथ लोगों के पास आना, जमा करके रखना, वो कहीं ना कहीं अलग है? एक्चुअली आप अगर वो रेलवे का लोकेशन देखोगे, रेलवे पटरी है, वहाँ पर पत्थर ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ ये है पत्थर पड़े रहते हैं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना जो सफिशेंट टाइम है हमको मिला ही नहीं। कंटिन्यूस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरे बिजी रह गए हम। इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली ये था। सर, वो रैलियों में बंदूक भी दिखाई गई थी कुछ, उसका पता चला, एक वीडियो वायरल हुआ था। और बंदूक के बारे में हमारे क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेशन किया है और वो फाइनली प्लास्टिक का खिलौना था जो दिखा के रील वो बनाई गई है, उसमें हमने इंक्वायरी किया है। किसी को पकड़ा है क्या? हाँ, उसमें आइडेंटिफाई किया है। सर, एक मैसेज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जितने भी जो पिछले कई सालों के बाद जो है, या फिर मैं कहूँगा बहुत सालों में पहली बार मीरापुर में इस तरह की घटना हुई है हिंसा की, तो जो भी हुड़दंगी है, दंगाई है, इन लोगों को मीरापुर पुलिस की तरफ से, MBBP पुलिस की तरफ से कोई सख्त संदेश, कोई चेतावनी क्या रहेगी? बिल्कुल रहेगी। हमने पहले ही बताया कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो भी गलत काम में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हम कर रहे हैं। और मैं आपके सबके माध्यम से सबको अपील करना चाहता हूं कि देखिए, इन्वेस्टिगेशन, आरोपी पकड़ना, ये तो काम है और लंबा चलेगा, लेकिन इस वक्त शहर की शांति बनाए रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है कि इतने सारे वीडियो, इतने सारे शूटिंग, इतने सारे ये वायरल होते हैं, उसके कारण जो लोगों को कुछ पता भी नहीं उनको भी उसके कारण इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि इसको कैसा कंट्रोल किया जाए,
जितने हो सके जितने डिलीट कर सकते हैं उतने हमारे साइबर सेल से हम डिलीट भी करने का ट्राई कर रहे हैं, फिर भी व्हाट्सएप में जो मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं उसको रोकना बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन आपके माध्यम से मैं आप सब लोग को अपील करता हूँ कि आप सब लोग आपके माध्यम से सबको ये रिक्वेस्ट हमारी है कि ये ऐसी चीज़ें ना करें ताकि समाज में जो शांति का माहौल है, जो भाईचारे का माहौल है, वो बिगड़े नहीं। क्योंकि आपको पता है परसों हमारा रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी का भी बंदोबस्त रहता है, बाकी भी कुछ आंदोलन राज्य में चल रहे हैं, ये सबके चलते हैं। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे हमारी जो इंफॉर्मेशन है कि ये शहर में कभी इतना कम्युनल का कोई प्रॉब्लम बहुत सालों से कभी हुआ नहीं है, तो अभी हुआ है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो आप सब लोग का कॉपरेट करेंगे, सब जो शुद्ध नागरिक है वो कॉपरेट करेंगे, तो मुझे लगता है कि पहले शांति बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और एक्यूजेस अरेस्ट करना और बाकी चीज़ें हम करेंगे सर। क्योंकि सब कार्रवाई की जो बात है वो तो अभी जो केस हो चुका है उसके बारे में, लेकिन एक मैसेज एक सवाल ये भी था कि फ्यूचर में कोई ऐसी हिम्मत ना करे उसके लिए पुलिस का चेतावनी देना चाहिए, क्योंकि देखा ही गया कि लोगों में पुलिस का खौफ शायद नहीं था, शायद इस वजह से वो सड़कों पर आकर के उन्होंने खुलेआम इस तरीके से वादा पहुंचा ले, तो आगे ना हो इसके लिए क्या चेतावनी? हमने बाहर से भी फोर्स मांगा है, हमारे पास 6 प्लेटून SRPF के है, RAF के 3 प्लेटून हमारे पास है, और हमारे लोकल पुलिस ऑफिसर असिस्टेंस भी हमारे पास है। हम नाकाबंदी, पेट्रोलिंग और जो भी तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शन हम डेफिनेटली करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 21 लोग पकड़े गए हैं, उनका क्या क्रिमिनल कोई बैकग्राउंड है? अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इतना टाइम मिला नहीं है कि सब बातें चेक करने के लिए, अभी जो CCTV फुटेज देख के अरेस्ट करने का काम शुरू है। जब भी पता चलेगा, जब भी हम इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। IT Act केसेस में एक केस में फेसबुक पे कुछ प्रोवोकेटिव एक वीडियो प्रसारित किया गया था, और एक केस में इंस्टाग्राम पे कुछ प्रोवोकेटिव बातें कही गई थी। वो दो केसेस IT Act सर, आपने 26 जनवरी का जिक्र किया और शुक्रवार भी आ रहा है, जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, काफी भीड़भाड़ होती है, क्या प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किए जाएंगे इस तरह के जो मिस्चीवियस होते हैं उनके खिलाफ? अब मैं प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में पहले ही बताया कि जो भी प्रिवेंटिव एक्शन करना जरूरी है वो डेफिनेटली की जाएगी। सर, NIA ने कुछ समय पहले यहाँ पे कार्रवाई करी थी जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ये जो लोग गिरफ्तार हुए क्या किसी का लिंक उसी से NIA वाले एक्शन से जुड़ा दिख रहा है? मेरी जो इंफॉर्मेशन है कि NIA ने हमारे यहाँ से किसी को अरेस्ट नहीं किया था, इंदिरा भाईंदर से किसी को अरेस्ट नहीं किया था, अरेस्ट किसी को नहीं किया था, और ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे अभी तक तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सर, FIR वाला जो मामला है फिर से क्लियर कर दिए, 8 FIR है कुल टोटल, 8 FIR क्राइम के है और 2 IT Act के तहत, टोटल 10 FIR है, टोटल 10 है, टोटल 10 FIR है और 21 करंट। हमारे पास अभी ये इंफॉर्मेशन है जी, 8 FIR है रेगुलर गुने की, तीनों दिन का, कल तक का मिला, कल तक का जी। सर, जो बैक रोड पे स्टोर पीने से क्लियर हो जाता है FIR वाला कंफ्यूजन, और 2 IT Act मतलब टोटल 10 FIR है, अरेस्ट में 21 लोग हैं दोनों तरफ के, 19 दोनों तरफ के, पहले वाले इंसिडेंट में 14 पहले। हाँ, कुछ तो वही पूछना था, 14th और 21st जिस तरीके से फेक वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं, राम की मूर्ति तोड़ा जा रहा है जो नयानगर का है भी नहीं, तो सर जो लोग इस तरीके का वीडियो वायरल कर रहे हैं तो साइबर क्राइम क्या उसके ऊपर कार्रवाई करेगी? डेफिनेटली उनके खिलाफ भी, जो लोग गलत वीडियोस वायरल करेंगे उनके खिलाफ भी हम उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, मीरा भाईंदर वसई विरार के एडिशनल CP श्रीकांत पाठक ने क्या कहा है, किस तरीके से आगे की बंदोबस्त कर रहे हैं वो, जिस तरीके से अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे आने वाला है उस पर उनकी क्या बंदोबस्त है ये तो आपने सुना, और साथ ही साथ जिस तरीके से फेक वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, राम जी का मूर्ति तोड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि वो नयानगर का है भी नहीं, फिर भी उसे नयानगर का बता करके वायरल किया जा रहा है, तो इस पर श्रीकांत पाठक ने कहा है कि इस तरीके का जो भी फेक रूमर और फेक वीडियोज़ को वायरल करेगा उसके ऊपर साइबर क्राइम कार्रवाई करेगी और तुरंत से तुरंत उसको अरेस्ट करेगी।
अब देखना यह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से बंदोबस्त किया जाएगा, मीरा भाईंदर का माहौल सही होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।